हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप तो आपसे जितना रेजोनेट करे उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी, और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं, हम रीड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या निकल कर आता है। ओके गाइस, तो आज हम रीडिंग करने वाले कि आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है। ओके, देखने की कोशिश करते हैं आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की किस्मत मेरे व्यूअर्स को कहाँ लेकर जा रही है। थिंकिंग मैन, मैन होल्डिंग अ हार्ट, End decision, seven chakra, archangel Uriel, second chakra, archangel Ariel, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंड बॉटम से है एंजल ऑफ बैलेंस स्ट्रेटजी। गाइस, सबसे पहली चीज जो मैं यहां पर ये देख पा रही हूं कि आपके आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ठीक है, आपकी जो भी किस्मत है जो भी आपको लेकर जा रही है, यहां पर मैं देख रही हूं कि सबसे पहले आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है गाइस, ठीक है। यहां पर चक्रास के कार्ड आए हैं, इट मींस कि आपकी इनर हीलिंग हो रही है, ठीक है। आपको अंदर तक आपके जितने वुंड्स हैं इस लाइफ के पास लाइफ के, वो सारे वुंड्स यहां पर भर रहे हैं, ठीक है। सब पर यू नो एंजल्स के द्वारा आर्कएंजल्स के द्वारा मरहम लगाया जा रहा है, ऑल्सो प्रॉपर और परमानेंट हीलिंग आपकी हो रही है, क्योंकि आपके लिए हीलिंग के दरवाजे खुले हुए हैं, ठीक है। आप पूरी तरीके से हील हो जाओगे, आपके अंदर जितना गुस्सा भरा हुआ है ना वो गुस्सा शांत हो जाएगा, आपके अंदर जितनी भी चिड़चिड़ाहट नफरत भरी हुई है लोगों के प्रति, जितना भी आपके मन में यू नो ये है कि इसने ये किया उसने वो किया, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आप ये चीज महसूस करिएगा कुछ समय के बाद, ठीक है, आप अंदर से ये महसूस करेंगे कि अब आपको ज्यादा गुस्सा नहीं आता है लोगों से, जो आपकी नफरत थी कि इसने मेरे साथ गलत किया उसने मेरे साथ गलत किया, वो चीजें भी शांत हो गई हैं, ठीक है। अब आपको गुस्सा भी नहीं आता, नफरत भी नहीं होती, और जो जिन्होंने आपके साथ गलत किया है अब आपको उनसे फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है ना, आप उनके लिए कर्मा डिमांड करते हो, अब आप उनको माफ भी कर पा रहे हो। जब आप ये चीजें कर पा रहे हो ना गाइस, तो समझ लीजिएगा कि अब आपकी प्रॉपर हीलिंग हो रही है, ठीक है। जब आप अकेले में घुटते नहीं हो, अकेलापन भी आपको खुशी दे रहा है, अच्छा लग रहा है अकेलेपन में भी, आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़े हुए हो, बहुत डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हो, वो चीजें भी आपको अच्छी लग रही हैं, ओके। और कहीं ना कहीं आप यू नो मतलब कोई अगर कोई रिएक्ट कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो आप यहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो मतलब यहां पर यू नो रिस्पॉन्स ना देने का मतलब कि जैसा वो चाहता है वैसा नहीं दे रहे हो, ठीक है, एक तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर आप ये समझ लीजिए कि अब आपके अंदर हीलिंग चालू है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि मैम कैसे पता चले कि हमारी हीलिंग हो रही है, तो ये जो मैंने आपको साइन बताया ना, जब आपको गुस्सा नहीं आ रहा, कोई कुछ बोल रहा है, आप रिएक्ट नहीं कर रहे, सारी चीजें साइन देती है कि आपकी हीलिंग चल रही है, ओके। ऑल्सो गाइज, यहाँ पर सेवेंथ चक्रा का कार्ड है, सो मैं यहाँ पर क्राउन चक्रा का कार्ड देख रही हूँ, सो आप यूनिवर्सल गाइडेंस भी यू नो फॉलो कर पा रहे हो, जो भी आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं आने वाले समय में। ऑल्सो ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रही है, ठीक है, अबंडेंस का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है।
ऑल्सो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा है कि पास्ट में आपको ऐसा लगा था कि आपका कोई डिसीजन रॉन्ग हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास दो रास्ते थे और आपने दोनों में से किसी एक का चुनाव कर लिया, और आपको ऐसा लग रहा था कि आपने जिस भी रास्ते का चुनाव किया है आप गलत रास्ते पर आ गए हैं, ठीक है। ये डाउट था बहुत सारे लोगों को यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पर आने वाले समय में इस तरीके से प्रूफ किया जाएगा ये चीज कि आप जिस भी रास्ते को चुनकर आए हैं वो बिल्कुल सही रास्ता, बिकॉज आर्कएंजल्स एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स का सपोर्ट था आपको, तो आपने वही किया जो आपको करना चाहिए था, और जो भी रास्ता आपने चुना है उस रास्ते पर भर भर के अबंडेंस है, इस बात की आपको पूरी तरीके से श्योरिटी दी जाएगी यहाँ पर। क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है डाउट में हो कि उनकी किसी गलती की वजह से आज उनको ये दिन देखना पड़ रहा है, या फिर उन्होंने कोई गलत डिसीजन ले लिया, बट मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपने जो भी डिसीजन यहाँ पर लिया है वो बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है, बिल्कुल सही डिसीजन है, और वो डिसीजन आपको आने वाले समय में अबंडेंस दिलाने वाला है, ठीक है। हो सकता है ये चीजें अभी रिवील ना हुई हो आपके सामने, लेकिन होने वाली हैं। यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट के कार्ड के साथ आप अपनी लव लाइफ को भी बैलेंस कर रहे हो, आपने बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की हुई है अभी तक, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक चीज और देख पा रही हूँ कि आपके लिए कोई सोच रहा है बहुत ज्यादा, कोई एक ऐसा इंसान जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ही ज्यादा लविंग है, बहुत ही ज्यादा केयरिंग है, यानी कि जो बहुत ज्यादा लव भी करता है केयर भी करता है, ऐसा कोई पर्सन मैं आपके लिए सोचते हुए देख पा रही हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा है कि आप किसी को अट्रैक्ट भी कर रहे हो, किसी ऐसे इंसान को जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है आपको लेकर। यहाँ पर आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, आपकी इनर हीलिंग हो रही है, आपको मैं देख पा रही हूँ कि आपको बैलेंस किया जा रहा है, पावर यूनिवर्स यूनिवर्सल पावर्स आपकी हेल्प कर रही हैं। यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड है, यूनिवर्स आपके लिए सारी चीजें अरेंज कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी आपके लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, यहाँ पे ये चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। स्पेशली आपका फर्स्ट चक्रा, सेकेंड चक्रा और सेवेंथ चक्रा, यानी कि आपका बेस चक्रा, सेक्रल चक्रा और आपका क्राउन चक्रा, यहाँ पर बहुत ज्यादा हील हो रहा है, ठीक है। अगर आपके चक्रास इम्बैलेंस हो रखे थे तो ये चक्रास आपके बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं गाइस, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है। वाह, सोलमेट ही हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, जो आपकी ग्रोथ को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक बार नीचे गया है, डेसिपिएटिंग, इम्पार्शलिटी, बिटर स्वीट, रिकवरी इंस्टिंक्ट, परफेक्शन, इनसिक्योरिटी एंड परसीवेरेंस, सेल्फ वर्थ। वाओ, ओके। यहां पर मैं एक चीज देख पा रही हूं कि रिकवरी का कार्ड है, इंट्यूशन का कार्ड है, परफेक्शन का कार्ड है। देखिए यहां पर ना बहुत सारे लोग हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखने जा रहे हैं। अब मैं यहां पर यही बोलूंगी, बिकॉज जिसमें परफेक्शन आ गया, जिसमें कला आ गई, वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है और कितनी ही बड़ी चीज को अचीव कर सकता है, ठीक है। जिसमें परफेक्शन आ गया, जिसमें कला आ गई, ठीक है, उसमें वो कुछ भी अचीव कर सकता है। सो मैं यहाँ पर ये चीज नोटिस कर पा रही हूँ गाइस कि डेसिपिएटिंग कार्ड के साथ कि आपके जो भी इस समय में आपको अकेलापन मिला है, जो भी आपकी लाइफ में बोरिंग जिंदगी आपकी चल रही है, उसमें ना आप काम कर रहे हो, परफेक्शन बाहर आ रहा है, और ये परफेक्शन गाइस आपको लाइफ में सबसे बड़ी चीज दिलाने वाला है, जो है सेल्फ वर्थ। ये वो डिवाइन चेयर है ये, ठीक है, जो डिवाइन देते हैं आपको। एक होती है, एक अप्रिसिएशन आपको दुनिया से मिलता है, ठीक है, और एक अप्रिसिएशन आपको यूनिवर्स से मिलता है, ठीक है। एक एक जो है तारीफ वो आपकी दुनिया करती है, और एक तारीफ जो होती है वो यूनिवर्स करता है। दुनिया तारीफ करती है दिखावे पे, दुनिया तारीफ करती है कि आपने बाहरी तौर पर क्या कमाया, ठीक है, आपके पास कितना पैसा है, कितना मनी है, कितना रुपया है, लेकिन यूनिवर्स तारीफ करते हैं कि आपने अंदर से क्या कमाया,
ठीक है, यानी कि आपकी सोल ने क्या कमाया, आपके कर्मों ने क्या कमाया। तो यहाँ पर जो सेल्फ वर्थ की बात हो रही है, ठीक है, ये आपकी मटेरियल लाइफ, देखिए मटेरियल लाइफ में तो आपको सक्सेस वैसे ही मिल जाएगी, जिसने यूनिवर्स की नजरों में अपनी जगह बना ली उसको मटेरियल लाइफ में तो सक्सेस वैसे ही मिल जाएगी, वहां तो उसको सेल्फ वर्थ मिल ही जाएगी। लेकिन ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, यानी कि यूनिवर्स की नजरों में जिसने अपनी वर्थ बना ली, इट मीन्स कि वो इंसान कुछ है। तो ये चेयर यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, आपकी किस्मत यहाँ पर जाने वाली है, ठीक है। ये सबसे अच्छा कार्ड लगता है मुझे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है ये। यहाँ पर आप सिर्फ खड़े होकर देख रहे थे, आप वेट कर रहे थे कि कब यूनिवर्स आपके पेशेंस का, आपकी अच्छाई का, आपके जो भी आपने लोगों के लिए किया, अपने लिए किया, अपने आप को हील किया, जो भी आपने ना वर्क किया, ठीक है, उन सारी चीजों का रिजल्ट यूनिवर्स आपको कब देंगे। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप सेल्फ वर्थ अचीव कर रहे हैं, ये कुर्सी आप अचीव कर रहे हैं, ये यूनिवर्स का इनाम है, पुरस्कार है आपके लिए, ठीक है। और ये चीज मिलते ही आपको मटेरियल वर्ल्ड में भी इसी तरीके से सक्सेस मिलेगी, इसी तरीके से एक सिंहासन, ठीक है, मतलब एक 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 अथॉरिटेटिव पोजिशन, और यहाँ पर आपको बहुत सारा नेम फेम रुपया जो भी आप चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही आप हील हो रहे हो तो रिलेशनशिप भी हील हो रहे हैं, सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो गाइस, ठीक है। पास्ट लाइफ से कोई आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है यहाँ पे, और मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ये चीज इसीलिए भी हो पा रही है बिकॉज आप हील हो रहे हो, रिकवरी हो रही है, ठीक है। जब आपके अंदर नई नया स्पेस क्रिएट होगा एनर्जीज को लेने का, जब आप किसी को दे पाओगे प्लेस, तभी कोई आपकी लाइफ में एंट्री ले पाएगा। तो ये चीजें नजर आ रही है कि सोलमेट आ रहा है। ओके, ग्रोथ कार्ड के साथ आपकी ग्रोथ भी होती जा रही है, जितना आप इंट्यूशंस को फॉलो करते जाएंगे उतना आपकी ग्रोथ होती जा रही है, उतनी ही आपकी किस्मत ब्राइट होती जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर परफेक्शन तो आपका कमाल कर रहा है। यहाँ पर देखिए दो कार्ड यहाँ पर फिर से नेगेटिव आ गए आने वाले समय के लिए भी, कि समटाइम्स ना आपके ऊपर डेविल का असर हो जाता है, यानी आपका आपके ऊपर इनसिक्योरिटी हावी हो जाती है, ठीक है। आप अपने लाइफ में अच्छा करने तो जाते हो लेकिन फिर से ना उदास हो जाते हो कि कुछ नहीं बदला तो, ठीक है, इतना कर तो रहा हूं पर कुछ चेंज नहीं हुआ, तो कर तो रही हूं पर नहीं बदला। तो ये चीजें कहीं ना एक तरीके से आपको आपके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा कर देती हैं, और आपको आप हार मानने लगते हो, ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए हार मानने लगते हो। तो ये चीजें आपको नहीं करनी बिकॉज आप जहां भी जा रहे हो आप ये कार्ड को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है, कि आपको ये अचीव करना है और यूनिवर्स आपको ये दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप इनसिक्योर नहीं होंगे क्योंकि यूनिवर्स के टेस्ट इजी नहीं होते हैं, और जब रिजल्ट्स आते हैं, यानी कि जब रिजल्ट का दिन होता है, तो बस ये समझ लीजिए कि जितना आपने मांगा था ना उसने उससे तो बहुत बहुत ज्यादा मिलता है। यहाँ पर बिटर स्वीट का कार्ड है और परसिवेरेंस का कार्ड है। बिटर स्वीट, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो अपने पर्सन को मेंटली चेस करते हैं, ठीक है। अगर आप कॉल मैसेज नहीं भी कर रहे हैं तो आप मेंटली चेस करते हैं, डियर आप लोग बहुत ज्यादा मेंटली चेस करते हैं, ठीक है। आप दिन रात अगर उनके बारे में सोच रहे हैं इट मीन्स कि आप चेज ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपनी जरूरत है अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट करने की, अपने कामों पर लगाने की, ठीक है। और ये चीज है जैसे ही आप चेस करते हो आपके अंदर देखिए किस तरीके से कमजोरी आ जाती है, कि आपने अपनी एनर्जी पूरी उस पर्सन को सेंड कर दी और आप कमजोर हो गए। आप कमजोर हो रहे फिर एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको चेज नहीं करना है, ना ही मेंटली ना ही फिजिकली। आई होप गाइज आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, ये चीजें नजर आ रही। ओवरऑल आप बहुत अच्छा जा रहे हो, आपकी किस्मत आपको बहुत कुछ देने वाली है। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज तो जो मुझे दिख रही है वो है सोलमेट एंड सेल्फ वर्थ। लेट्स सी टैरो से क्या आता है आप लोगों के लिए। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, यहाँ पर मेरे व्यूअर्स की किस्मत मेरे व्यूअर्स को कहाँ लेकर जा रही है। पेज ऑफ कप्स, हर्मिट, फाइव ऑफ कप्स, डेविल, फोर ऑफ वैंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड सन।
बॉटम से है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके ओके, यहां पर ना गाइज मैं ये चीज देख पा रही हूं कि प्रपोजल आ रहा है आपके पास, ठीक है, पेज ऑफ कप्स के साथ आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, या तो कोई रिश्ता आ रहा है शादी के लिए, ठीक है, या फिर कोई प्रपोज कर रहा है यहाँ पर, बट मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी फील हो रही है गाइस कि कोई प्रपोजल आपकी तरफ डेफिनेटली आ रहा है। बेसिकली गुड लक स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। ऑल्सो मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि पास्ट से कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस लौट रहा है, मुझे पास्ट पर्सन की एनर्जी नजर आ रही है, मुझे न्यू पर्सन की एनर्जी यहाँ पर फील नहीं हो रही है गाइस। कोई पास्ट पर्सन है सोलमेट आपका जो वापस आ रहा है, ठीक है, जो यो कहीं ना कहीं आपके लाइफ से चला गया था पैसों के चक्कर में, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था इसीलिए, ठीक है, उसने आपके कनेक्शन में आपकी कनेक्शन से ब्रेकअप कर लिया था, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। लेकिन वो पर्सन, पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, इस पर्सन के साथ कनेक्शन में रह चुके हो, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। सो आपकी किस्मत आपको उस व्यक्ति के साथ दोबारा से मिलवाने वाली है, ठीक है, और वो पर्सन अवेकन होके भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में वापस, ऐसी भी एनर्जी है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वर्क एरिया में डेविल का कार्ड आया है, मतलब आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बार बार आपको प्रॉब्लम हो रही है काम करने में, ठीक है। जैसे मैंने कहा था नीचे इनसिक्योरिटी का कार्ड था, आप जैसे काम करते हो बहुत एनर्जेटिकली काम करने की कोशिश करते हो, और उसके बाद जैसे ही आप सोच लेते हो कि कुछ नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, कुछ बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो यही चीजें गाइज आपको हारने पर मजबूर कर देती है। बिकॉज अगर आप मंत्र चैंटिंग वगैरह करते हो, इतने सारी चीजें करते हो, और उसके बाद आप नेगेटिव सोचने लगते हो, तो वो नेगेटिव चीजें होने लगती हैं। इसीलिए अगर आप बहुत ज्यादा साधना कर रहे हो, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, तो आप हर समय पॉजिटिव रहिए, ठीक है, वो चीजें काफी जरूरी हैं, ठीक है। और आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, बिकॉज ये समझ लीजिए कि वो काम आपको सेल्फ वर्थ दिलाने वाला है, ये चीजें नजर आ रही हैं। ऑल्सो सन कार्ड विथ फोर ऑफ वेंड्स गाइस, यहाँ पर पॉजिटिविटी आ रही है भर भर की आपकी लाइफ में, और मैं मैरिज देख पा रही हूँ आपकी, ठीक है, आपकी फैमिली में खुशियां आ रही है, मैरिज के चांसेस मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पर नजर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और काफी अच्छे कार्ड्स आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं। मूविंग ऑन, डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड दोबारा आया है, होप, वाव, एंड यहां से लाइट, रोशनी आ रही है, ठीक है। जो भी काम आप कर रहे हो अभी वो बिल्कुल सही रास्ते पर हो, बहुत सही काम आप कर रहे हो, पूरी हीलिंग के बाद गाइज ऐसा लग रहा है समय का पहिया आपके फेवर में आने वाला है, ठीक है, और बहुत खुशियां आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ। सारे ऑब्स्टिकल्स एक बार में रिमूव हो जाएंगे, एक बार में सब खत्म, एंड लाइट ही लाइट, रोशनी ही रोशनी, हर तरफ उजाला ही उजाला, सारा अंधेरा खत्म। यहां भी आप डार्क में, जब तक अभी तक जो डार्क में फंसे थे वहां से लाइट की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड। सही जा रहे हो गाइस, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही जा रहे हो। अगर आपको 1% भी डाउट है कि आप अपनी लाइफ में सही है या नहीं, तो यहां पर ये रीडिंग आपको श्योर कर रही है कि आप पूरी तरीके से सही दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो गाइज ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।